रीजनिंग स्टार्टिंग पैटर्न चेंज हुआ है। इन तीन क्वेश्चन कैलकुलेट का था। अच्छा, तो उसको छोड़ के मैंने अर्थमेटिक पे ध्यान दिया। पेपर तो इजी मॉडरेट जो हर साल होता है वही था। हाँ, बहुत अच्छा, इजी टू इजी ही बोलेंगे, मॉडरेट वगैरह नहीं था। फिर वन दिस साइड पटना लाइट और सेकंड शिफ्ट का जो आईपीएस क्लर्क का पेपर हुआ ओवर, जो है कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं एग्जाम देकर, उनसे बातें करते हैं कि अभी वगैरह क्या फीडबैक रहना है। एंड हमारे इस एफर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। 87 अच्छा अटेम्प्ट कराया आपने। हाउ इज द क्वेश्चंस सेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो रीजनिंग में कैसे थे, क्वांट में या इंग्लिश में? पेपर तो इजी मॉडरेट जो हर साल होता है वही था। हाँ हाँ, इंग्लिश इजी थी। इंग्लिश इजी थी सबसे ज्यादा। एंड सेकंड वन रीजनिंग एंड देन क्वांट सबसे डिफिकल्ट। हाँ, कह सकते हो। ओके, अर्थमेटिक प्रॉब्लम की है आपको या फिर हो गया? किया, लेकिन लास्ट में कुछ रह गया, वो मेरी गलती से। अच्छा, स्पीड कम था। ओके, वरना पेपर तो इजी था। तो 90 टच हो जाते अगर स्पीड और अच्छा होता था। ओके, आपने कितने अटेम्प्ट किए क्वांट में? क्वांट में मैं रीजनिंग पूरा करा, बस दो क्वेश्चन छोड़ा। इंग्लिश पूरा करा, जो बचा है वो क्वांट में बचा। अच्छा, क्वांट में, मतलब ज्यादा क्वांट में छूट गया। हाँ। ओके, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको कैसा लगा? इंग्लिश पूरा ही पेपर इजी था, पूरा मेरे लिए पेपर इजी था। अच्छा, जो अच्छा कितने डीआई आए क्वांट में? क्वांट में डीआई नहीं थे मेरे पेपर। अच्छा, डीआई नहीं आपको मिला। ओके, आप सिंपलीफिकेशन आई थिंक 12 questions. ओके, हाँ, मॉडरेट टू इजी टाइप में आएगा। हाँ, कॉमनली सब इजी ही बता रहे हैं। कितने अटेम्प्ट हुए वैसे? मेरा 86 अटेम्प्ट हुआ। ओके, एंड सबसे कम किस में रहा? सबसे कम मेरा, मैं एक फंस गया था एक रीजनिंग के एक मतलब वो पजल में, ब्लड रिलेशन से था, उसी के वजह से थोड़ा रीजनिंग मेरा ऑलमोस्ट एक मिनट उसमें बर्बाद हो गया, वरना 90 टच हो जाता। ओके ओके, एंड जो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो उसका लैंग्वेज बहुत इजी था, बहुत इजी इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी था। ओके, एंड अर्थमेटिक में फंसने वाले क्वेश्चन किस टॉपिक से हैं बेसिकली? नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी था। अच्छा। बस एक डीआई जो था वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, वो कैलकुलेट करके उसको करना। किस पे कौन सा डीआई था, किस पे बेस्ड था वो? आई मीन मतलब वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास का था, जैसे तीन क्लासेस थे और 5A 5B 5C नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स में उसमें डिस्कशन हुआ था, लेकिन जो था कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ था, सारा सब कुछ निकालना था वेरिएबल। हाँ, मतलब दिस इज दिस परसेंट ऑफ दिस। अच्छा, ऐसा इस तरीके से। तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, तो वो कैलकुलेटिव था, तो वहाँ फंसने वाला चीज था। बाकी मैथ्स वाज वेरी इजी, सब कुछ इजी था, बस ये एक डीआई था जो हार्ड। ओके ओके, आई विश कि आप मेंस लिखो एंड विश यू लक। थैंक यू सो मच। अच्छा पेपर है, कितने अटेम्प्ट होने लगे? अरे वाह, 5 questions का आ रहा। वो कैलकुलेट एक छूट गया मैथ्स में, क्योंकि वो इन तीन क्वेश्चन कैलकुलेट का था। अच्छा, तो उसको छोड़ के मैंने अर्थमेटिक पे ध्यान दिया। ओके, तीनों क्वेश्चन छूट गए। हाँ, बाकी अर्थमेटिक कर लिया सारा। अच्छा। मैथ्स में 32 है। हाँ, और इंग्लिश में 29। हाँ, रीजनिंग में एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन छूट गया, 34। ओके, एंड कैसा है इंग्लिश का सेक्शन, मतलब किस किस टॉपिक? इंग्लिश थोड़ा मुझे मॉडरेट लगा, क्योंकि इसमें कॉलम बेस्ड भी आ गई। ओके, वो भी आ गए, वर्ड रिप्लेसमेंट प्लस वो भी आ गया, क्या कहते उसको, ज़्यादा आ गए वो एरर वाले 5-6 questions। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो 10 questions। हाँ, किससे रिलेटेड? उसमें वो फार्मिंग वगैरह की, उसने जॉब छोड़ दी। अच्छा। तो उसके फैमिली करते थे फार्मिंग सैपलिंग, तो फिर उसने भी ये करी। लैंग्वेज लेमन सैपलिंग सही है, इजी कहानी टाइप है, स्टोरी बेस्ड जैसा, ज़्यादा टफ वर्ड्स वगैरह नहीं है, है ना। अर्थमेटिक में ज़्यादातर किससे आ रहा है क्वेश्चन? अर्थमेटिक में सब कब कवर है, ज़्यादा परसेंटेज वगैरह मैंने बनाया, मैंने सारे अर्थमेटिक बना दिया, लगभग परसेंटेज से था, CIS से था, एस से था, और हाँ मेंसुरेशन से था, ये सब सर। रीजनिंग में मेनली? रीजनिंग में वही पजल सिटिंग। पजल किस पे बेस्ड? पजल एक तो वो थे स्क्वायर वाले सिटिंग। अच्छा, पजल में बॉक्स वाले। और बस इतना ही मुझे याद है। ओके, बाकी वो भी थे चाइनीज कोडिंग। अच्छा, ओके, 95 अटेम्प्ट है, इसके आप मेंस लिखो। थैंक यू, सी लक। थैंक यू। अच्छा पेपर था, अच्छा पेपर था, बहुत इजी पेपर आया। अच्छा, हाँ, कल तो थर्ड शिफ्ट में इतना टफ आ गया पेपर की। नहीं, आज पेपर बहुत बहुत इजी आया था, मैथ्स भी आपको 35 एंड 35 करने लायक था। अरे वाह, रीजनिंग स्टार्टिंग पैटर्न चेंज हुआ है।
अभी रीजनिंग और फिर इंग्लिश फिर क्वांट्स। अच्छा, पहले इंग्लिश पहले आता था। ओके, तो थोड़ा सा थोड़ा यू मतलब सरप्राइज होगा बच्चा देख के। तो इससे नंबर ऑफ अटेम्प्ट मुझे लगता है बढ़ेगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एनर्जी रहता है तो आपको पूरा रीजनिंग 35 से 35 करने के लिए रहेगा, और 35 से 35 करने लायक था, पेपर बहुत ईजी था। ओके, उसके बाद इंग्लिश तो उससे भी ईजी, इंग्लिश ही बहुत मतलब पूरा समझिए कि 100 में 90+ अटेम्प्ट करने वाला ये मतलब शिफ्ट था। आपके कितने हो पाए? मेरे 92 है। 92। आपके जो 8 क्वेश्चन तो किससे रहा? मेरा 2 क्वेश्चन हम एरर डिटेक्शन का छोड़े आपको इसमें इंग्लिश में क्योंकि हमको डाउट था, ठीक है, और बाकी मेरा मैथ्स में 3-4 छूटा और रीजनिंग में 1-2 छूट गया। तो 3-4 क्वेश्चन जो आपका मेजॉरिटी छूटा है वो किस टॉपिक से? अर्थमेटिक्स में था या अर्थमेटिक का? अर्थमेटिक का 2-3 छोड़ दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन थोड़ा सा वो इजी था बट उसको उस पर टाइम नहीं दिए, और मेंस्ट्रुएशन का बहुत इजी क्वेश्चन आया था। okay. उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क का बहुत इजी क्वेश्चन आया था, वो सब मतलब ज्यादा कैलकुलेशन था क्या उसमें? नहीं, कुछ कैलकुलेशन नहीं, आप माइंडली करते, मतलब क्लरिकल लेवल पेपर था और ज्यादा मतलब डुएबल था, बहुत अच्छा, इजी टू इजी ही बोलेंगे, मॉडरेट वगैरह नहीं था। इस बार लगता है कट ऑफ अब मेरे शिफ्ट से नहीं कर सकते ना क्या होगा, बाकी दोनों दिन का एनालिसिस हम देखे, बाकी कल का एनालिसिस हम देखे नहीं, आज का हम बता रहे हैं और अपने शिफ्ट का बता रहे हैं, इसके पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ ये हमको आइडिया नहीं, कट ऑफ क्या रखेगा उसके बारे में हम कोई आइडिया नहीं दे सकते। कोई नहीं, कोई फीडबैक अपकमिंग कैंडिडेट्स के लिए? 31st को होगा, अभी और भी एग्जाम है, 31st एक बाकी है, 31st को चीलो के जाना है और क्या है। क्लर्क है IBPSPO, मेरा तो बस एक ही टारगेट था कि हम IBPSPO का ही मॉक दे के आया, कोई क्लर्क का मॉक नहीं दिए, तो मेरे लिए थोड़ा शायद हमको लगता है इसीलिए एज भी हो सकता है कि हम थोड़ा हार्ड लेवल का बना के आए हैं, तो शायद हम जल्दी जल्दी बना के, हम अपने से छोड़ भी रहे थे क्वेश्चन, मतलब कि हमको लग रहा था कि इसमें अटेम्प्ट लेना सही नहीं है, नेगेटिव जा सकता है, तो हम 2-3 इसका छोड़े, बाकी अर्थमेटिक का भी 1-2 अपने से छोड़े, मेरे पास टाइम था, सफिशियंट टाइम आपके पास है, और 2 क्वेश्चन फंसे उसके बाद ही सफिशियंट टाइम था मेरे पास, इस मतलब एकदम बोल सकते हैं कि जेन्युइन क्लरिकल लेवल पेपर और सही से तैयारी किए हैं, तो आप 90+ अटेम्प्ट मेरे शिफ्ट में, बाकी का शिफ्ट का हमको आइडिया नहीं। थैंक यू। चलिए, तो सेकंड शिफ्ट का पेपर का ये अपडेट रहा, बाकी आगे अपकमिंग शिफ्ट में क्या अपडेट होता है वो भी मैं आपको दूंगा, पर इस एफर्ट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।